राज्य कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, डीए में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी। 15 अगस्त को सीएम साय कर सकते हैं घोषणा, 4% बढ़ोतरी के बाद 50% हो जाएगा डीए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है और इसलिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। और अगर डीए में 4% की बढ़ोतरी होती है तो 50% हो जाएगा डीए। खबर रायपुर से है और संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, डीए में 4% की बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल विष्णुदेव साय, सरकार जो है वो सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी जो संबंधित जानकारी विभाग से मंगाए गए हैं। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घोषणा कर सकते हैं शासकीय कर्मचारियों को 4% तक डीए मिल सकता है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे थे और जब विपक्ष में भाजपा थी तो एक तरीके से कर्मचारियों को साधने के लिए उनकी मांगों को पूरा करने का दावा करती रही है। और जब विष्णुदेव साय सरकार आई तो उसके बाद लगातार एक के बाद एक कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लेते गए और यह भी एक बड़ा फैसला होने वाला है। 4% डीए अगर शासकीय कर्मचारियों का बढ़ जाता है तो यह बढ़कर 46 से बढ़कर 50% हो सकता है। एक तरीके से महंगाई भत्ते का सीधा लाभ जो है वो शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा। प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारी है जिनको सीधे तौर पर लाभ मिलने की इससे उम्मीद है। शासन स्तर पर इसको इस पर लगातार काम चल रहा है और 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे लेकर घोषणा भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं और अगर ये 4% वृद्धि डीए में हो जाती है तो राज्य के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जशपुर में उफान पर नदी नाले हैं, उफनते नाले को स्कूल बस ने पार किया, स्कूली बच्चों से भरी थी बस, ड्राइवर ने डेंगुर जोर नाले को पार कर लापरवाही का जो वीडियो है वो सामने आया है। और ये देखिए तस्वीरें, जब इस पुल को पार करने की कोशिश ड्राइवर करता हुआ नजर आए, इसमें बच्चे भी सवार थे। आपने पहले भी कुछ तस्वीरें देखी हैं जब ऐसे रास्तों से गुजरना जान को जोखिम में डालता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे इसमें सवार थे और उनकी जान को खतरा यहाँ पर था। उसके बावजूद जो ड्राइवर है वो तेज धार के बीच से बस को लाता हुआ नजर आया है और ये वीडियो सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार ऐसे जो घटनाक्रम है बार बार सामने आ रहे हैं जब हादसों से भी सीख ड्राइवर नहीं लेते हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनमें बच्चों की जान पर बनाती है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है। संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है, तमाम हादसे हो रहे हैं इन दिनों, उसके बावजूद कोई सीख नहीं, कोई सबक नहीं, बच्चों की जान पर भी बना सकती अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद कहा जा सकता है कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पर जो है गंभीर हादसा हो सकता है और इसके जिम्मेदार जो है वो स्थानीय लोग और अभिभावक समेत जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीर है वो रोज यहाँ पर सामने आती है और उसके बावजूद जो है लोग लापरवाही करके बच्चों को इसी तरीके से वहां पर स्कूल भेजते हैं और उसके बाद जब नदी में पानी भरा होता है तो बच्चे इसी तरीके से खतरा मोल लेकर वापस लौटते हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि इस जगह पर पुल की मांग जो है लंबे समय से होती रही है और बगीचा विकास खंड का ये जो डेंगुर जोर नाला है यहाँ पर लंबे समय से पुल की मांग हो रही है, लेकिन आज तक पुल की मांग पूरी नहीं हो पाई है जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल अगर जल्द ही इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ पर एक गंभीर हादसा हो सकता है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी किस तरह तरीके से उफन रही है और इसमें जो है पानी जबरदस्त भरा हुआ है और इसके बावजूद जो है इसको स्कूली बच्चों से भरी हुई बस को यहाँ पर पार कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं। प्रशासन को यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो प्रशासन को वाकई में सतर्क रहने के साथ साथ आम जन को भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, जहां बीजापुर में 2 महीने बनी गंगा लूर से नेसलनार की सड़क पहली बारिश में ही बह गई। 20 से 30 किलोमीटर लंबी सड़क में पुलिया भी बनी थी। करीब 56 करोड़ की लागत से ये सड़क बनकर तैयार हुई थी। आरोपी के अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से इसकी लागत करीब 112 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन पहली बारिश में ही ये सड़क बह गई और इससे लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री से इसकी जांच की मांग की है। जगदलपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसका संज्ञान लिया। सीएम साय ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि जिस सड़क और पुल पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, उस सड़क और पुल पुलिया के लिए हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा में होते हैं और नक्सलियों के लगाए गए आईडी और कई बार ऐसे होते हैं कि जब हमारे जवान आरोपी के तौर पर उस सड़क में सुरक्षा देने जाते तो नक्सलियों के फायरिंग में उनकी मौत हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। शहदात पुलिस जवानों के शहदात पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार सुरेश चंद्राकर और PWD के अधिकारियों ने कांग्रेस शासनकाल में किया है, मैं चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी उसकी विधिवत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें। देखिए, कोई भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। आप लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचारियों का तांता लगा है जेल में जाने का, चाहे वो शराब में भ्रष्टाचार किए हों, चाहे कोयला में किए हों, चाहे DMF में किए हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बक्सा नहीं जाएगा। सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच करवाएंगे और दोषीदार कोई बक्से नहीं जाएंगे। पावर प्लांट का डैम खतरे के निशान के ऊपर अभी नहीं खुले। डैम के 9 गेट, डैम के आसपास के गांवों को अलर्ट जारी किया गया है और बीते 24 घंटे से जिले में रुक रुक कर हो रही है बारिश। चिकनी गांव के महान नदी पर है पावर डैम और ये देखिए तस्वीरें आप, जब तेज बहाव में पानी की धार नीचे की तरफ जा रही है डैम के आसपास के गांवों को, इसके चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां महासमुंद में चलते ट्रक में आग लग गई। नेशनल हाईवे 53 बिरकोनी के पास आग लगने का मामला सामने आया। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। रायपुर से पश्चिम बंगाल जा रहा था ट्रक और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। खबर महासमुंद से है, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में लगी आग, देखिए तस्वीरें आप पहले देखिए, नेशनल हाईवे 53 का पूरा मामला है। बिरकोनी के पास ही आग लगी थी। ड्राइवर और क्लीनर सभी सुरक्षित हैं, कूदकर इन्होंने अपनी जान बचा ली। रायपुर से पश्चिम बंगाल ये ट्रक जा रहा था। क्या ही खतरनाक, कुछ खतरनाक। कवासी लखमा के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। कांग्रेस के अयोध्या न जाने के फैसले की आलोचना करते हुए सीएम ने इसे पाप करार दिया है। विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए निमंत्रण दिया गया था। राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने की बात को कवासी लखमा ने सही ठहराया, साथ ही बीजेपी को पापी तक करार दिया था। राम मंदिर भगवान गया, भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग है। ना भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, ना गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, ना लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं, ये कैसा सरकार है। रायपुर में IAS अधिकारी का फर्जी अकाउंट, ठगों ने बनाया फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम से मैसेज भी भेजे गए। प्रदेश के कई कलेक्टर को भेजा गया नोटिस, साइबर सेल में की गई शिकायत। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर IAS अधिकारी का फर्जी अकाउंट बना दिया गया और इस अकाउंट से
कई लोगों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम से मैसेज भी भेज दिए गए। प्रदेश के कई कलेक्टर को नोटिस भेज दिया गया। साइबर सेल ने मामले में जांच की है, शिकायत दर्ज कर ली है, मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रायपुर का ये पूरा मामला है जहां पर आईएएस अधिकारी का फर्जी अकाउंट बना लिया गया और फर्जी अकाउंट बनाने के साथ ही साथ कई लोगों को मैसेज भी भेज दिए गए। कुछ जिला कलेक्टरों को नोटिस भी जारी कर दिया गया और संवाददाता युगल जुड़ गया। युगल, प्रदेश के कई कलेक्टरों को नोटिस भेज दिया गया, कई लोगों को मैसेज भेज दिए गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से जो फर्जी अकाउंट बनाया गया है, इसके बारे में कोई डिटेल मिल पाई है कि आखिरकार किसने इस साइबर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है? जी देखिए, साइबर ठगी का ये पूरा मामला है और इस तरह से फ्रॉड साइबर ठग लगातार करते आ रहे हैं और इसी कड़ी में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है रीना बाबा साहेब कंगाले, उसके नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। लगभग 7 से 8 जिले के कलेक्टरों को मैसेज भेजा गया है, उनके लोकेशन क्या कर रहे हैं, किस तरह के है, और अगर उसमें कन्वर्सेशन होती, बातचीत अगर करते तो उसके बाद उनसे जो फ्रॉड है वो किया जाता। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि साइबर ठगों के जो हौसले हैं इस तरह से बुलंद है और लगातार ये घटना है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फर्जी फेसबुक अकाउंट है वो बनाए गए थे। इससे पहले भी कई अधिकारियों के फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके गुमराह करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है, लेकिन इस मामले में शिकायत हुई है और उसके बाद साइबर की जो टीम है उसकी पड़ताल में जुटी हुई कि आखिर किसका आईपी एड्रेस से ये जो पूरा फर्जीवाड़ा का खेल खेला गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके नंबर, उन सभी चीजों की तस्दीक है की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो व्हाट्सएप नंबर सामने आ रहा है उसकी भी जांच हो रही है। कोंडागांव में लाखों की लूट का खुलासा हुआ है। बायानार साप्ताहिक बाजार में लूट की वारदात का खुलासा हुआ। 14 लाख के जेवरात और 6,70,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 3 आरोपियों ने लूट को अंजाम दिया था। 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 2 की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर कोंडागांव से है जहां पर लाखों की लूट का खुलासा हुआ। बायानार साप्ताहिक बाजार में लूट की घटना हुई है और इस मामले का खुलासा हुआ है। देखिए, जो भी लूट का सामान था, 6,70,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। लूट के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं और 3 आरोपियों ने लूट को अंजाम दिया था। 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 2 की तलाश की जा रही है। भिलाई में दिल्ली पब्लिक स्कूल का मामला गरमाया हुआ है। कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं अभिभावक। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्चे के साथ गंदी हरकत को छिपाने का आरोप लगा है। पीड़िता को ही स्कूल से निकालने का भी आरोप लगाया जा रहा है। पूरे मामले को दबाने की कोशिश का आरोप परिजन लगा रहे हैं और ये देखिए, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल एक मासूम बच्चे के साथ स्कूल में गंदी हरकत हुई है और इसके चलते जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। अब प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले को छिपाने की और दबाने की कोशिश की जा रही है। मामले की जांच नहीं की जा रही है बल्कि उस मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। पूरा मामला काफ़ी गर्मा चुका है। दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। बच्चे के साथ गंदी हरकत करने वाले के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग माता पिता कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर फिलहाल कोई स्पष्टीकरण या कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कि बच्ची जो जब से आई है स्कूल में और जब बच्ची गई है उस दौरान जो है बच्ची वॉशरूम में नहीं गई है, पूरा टाइम वो क्लासरूम में बैठी हुई है। और जब शुरू में ये लास्ट में जब स्कूल एंड हुआ है तो बच्ची जो है क्लास टीचर के साथ जाकर अपनी बस में चढ़ गई है। सफाई वाली बात नहीं है,
क्योंकि स्कूल का नाम कहीं था ही नहीं, तो उसका कोई औचित्य बनता ही नहीं है अननेसेसरी उस चीज़ को हवा देना। भाई हमारे अगर पेरेंट्स इतना पेरेंट्स को हमने आने दिया अंदर, इसका तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमें छिपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बलरामपुर जिले के फूली डूमर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर द्वारा स्कूल में हिडन कैमरा लेकर आने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हेडमास्टर के विरुद्ध टीचर्स एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अब टीचर्स एसोसिएशन ने भी हेडमास्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हेडमास्टर के विरुद्ध विभागीय जाँच की जा रही है। शर्मनाक है कि एक संस्था का प्रमुख जो हेडमास्टर होता है वो इस तरह के हिडन कैमरा का इस्तेमाल स्कूल में क्यों करेगा। आखिर ये हम लोग के लिए बेचैनी का विषय भी है और हमारे सम्मान स्वाभिमान का भी विषय है। इस शिक्षक की जो छवि वो काफ़ी धूमिल हुई है। इसके संबंध में हमने जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा है कि वहाँ पर हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं और वो लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं किए कि आखिर गुप्त कैमरों के माध्यम से वो प्रधान पाठक क्या करते थे। इसलिए हमने उसमें सक्षम अधिकारी से तत्काल जांच करके निलंबन करने की कार्रवाई की मांग की है। हाँ, वाड्रफ नगर विकासखंड में ऐसी बात आई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। प्रतिवेदन आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर कांजी हाउस में 30 गौवंश की मौत हो गई। एक ही कमरे में 30 गौवंश को ठूस ठूस कर रखा गया था। गौवंश के लिए चारा पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हंगामे के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे। लवन ब्लॉक के मर्दा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर कांजी हाउस में 30 गौवंश की मौत हो गई और एक ही कमरे में 30 गौवंश को ठूस ठूस कर रखा गया था। गौवंश के लिए चारा पानी कोई भी इंतजाम नहीं थे, व्यवस्था सही नहीं थी और यहां पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं। लवन ब्लॉक के मर्दा गांव का पूरा मामला और 30 गौवंश की मौत के बाद से हंगामे के आसार बने हुए हैं। रायपुर में बदमाश ने युवक पर किया ब्लेड से हमला। बाइक पर सवार बदमाश ने हमला किया है। अरिहंत हाइट्स भैरव सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया गया है। बदमाश पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। बड़ी खबर रायपुर से, बदमाश ने युवक पर किया ब्लेड से हमला। बाइक पर सवार बदमाश ने युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया है। अरिहंत हाइट्स भैरव सोसाइटी का ये पूरा मामला। बदमाश पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी देखी गई है। रायपुर अरिहंत हाइट्स के सामने चक्कूबाजी, पूरा खून नीचे गिरा। पुलिस से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये कोरबा में नेता की गुंडागर्दी का वीडियो आया है, जहां अस्पताल में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल प्राइवेट अस्पताल प्रबंधक से मारपीट की गई है। वीडियो में दिख रहे बीजेपी मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा, मरीज के इलाज को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर कोरबा से है, नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। 4 बजे एक मनीष नामक व्यक्ति, मनीष मिश्रा नाम से, एक पेशेंट के बिलिंग से लेके वो यहाँ मेरे साथ हाथापाई किया है। चेंबर में इसका फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। ये पेशेंट के बिल के लेके वो रहे कि पैसा आप रिफंड करो। तो ऐसा पैसा रिफंड करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो हमारा जो बिल था बेड चाहे तो हम लिए हैं और इसमें वो बोल रहा था कि यहाँ ऑपरेशन हुआ नहीं तो बिल वापस करो। वहाँ के संचालकों ने उसका ऑपरेशन कराने की सलाह दी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके एवज में आप पैसे जमा करिए। और जब उनके द्वारा 30,000 रुपए अस्पताल में जमा किया गया, उन्होंने ये कहते हुए कि अब इसको फर्दर जो ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए ले जाए, उसकी हालत अच्छी नहीं है। इसी बात पर से विवाद हुआ। मनीष कुमार मिश्रा और जो वहां पे एक कर्मचारी है एक युगल पंडा के बीच में, दोनों के बीच में गाड़ी गुप्तार हुई है। दोनों ने थाना सिविल लाइन में इस आशय की रिपोर्ट की है, जिस पर मारपीट का काउंटर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग ने की फिर बड़ी कार्रवाई। बिना लाइसेंस चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करा दिया गया। क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और एक नर्सिंग होम शामिल हैं। एक हॉस्पिटल को व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। पाटन और उतई क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। शिकायत आई थी पाटन ब्लॉक के ग्राम केसरा से। वहाँ के सरपंच ने कलेक्टर कार्यालय में एक लिखित शिकायत दी थी कि वहाँ पे एक झोला छाप डॉक्टर जो है वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं बिना डिग्री के। तो उसी संदर्भ में हम वहाँ गए थे कल अपनी टीम के साथ, और वहाँ पे जो उन्होंने शिकायत किया था वो सही पाया। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ना नर्सिंग होम का, ना कोई डिग्री थी, कुछ नहीं था। उसको हमने तत्काल जो है बंद करवाया। उसके बाद हम लौटते समय जो है जो ब्लॉक का हमारा CSC है स्वास्थ्य केंद्र, उसके सामने एक अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब चल रहा था, उसको भी हमने बंद कराया। उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। फिर महावीर हॉस्पिटल जो है वो कुंडा में पड़ता है उतई के पहले, उनके पास पर्यावरण का और इसमें का वो नहीं था, उसको हमने बंद कराया। फिर आते आते हमने आस्था हॉस्पिटल जो उतई में है वहाँ पे डॉक्यूमेंट तो सभी उपलब्ध थे, सफाई का जरूर अभाव था। तो हमने चारों लोगों को नोटिस दे करके दो को बंद कराया है और करीब 3 को हमने बंद कराया। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 मरीजों की मौत की जांच के लिए टीम बनाई गई है। मामले में संभागीय कमिश्नर ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कमिश्नर GR चुरेंद्र ने 7 दिन में जांच दल को रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित किया है। बिलासपुर में 3 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी झारसुगुड़ा से गिरफ्तार हुआ है। आरोपी का पिता अभी भी फरार बताया जा रहा है। अपने चाचा से 3 करोड़ की ठगी कर पिता पुत्र फरार हुए थे। बड़ी खबर है बिलासपुर से, 3 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ, पुत्र गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन पिता अभी भी फरार है। और चलिए अब देखेंगे 20